आपकी ब्लड रिपोर्ट में बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, लो है बी ट्वेल्व। क्या आपको कुछ पता नहीं चल पाया ये कैसे लो हो गया? आइए अगले 5 मिनट में जानते हैं कि ये बी ट्वेल्व हमारे शरीर में क्या काम करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, और अगर घट जाए और पता ना चले तो क्या परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। अगले 5 मिनट में हम जानेंगे बी ट्वेल्व से संबंधित कुछ बहुत ही रोचक और कुछ बहुत ही भयावह तथ्य। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये विटामिन हमारे शरीर में करता क्या है। इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसके मेजर रोल्स हैं, वो आरबीसी का प्रोडक्शन करने में बी विटामिन बी ट्वेल्व का बहुत बड़ा रोल है, यानी लाल रक्त कणिकाओं के बनने में मदद करता है। नंबर टू, यही वो विटामिन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखता है। यही वो विटामिन है जो हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों इसी विटामिन का रोल है हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसके बैलेंस को बनाए रखने में। अब समझते हैं कि विटामिन बी ट्वेल्व अगर शरीर में कम हो रहा होता है तो पता कैसे चले खतरे के निशान को पार करने से पहले। इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत आसानी से नोटिसेबल होते हैं। नंबर वन, आपको एक स्किन डिसऑर्डर होने लग जाएगा। उस स्किन डिसऑर्डर में आपके नाक के आसपास और आपके होठों के आसपास स्किन क्रैक करने लग जाएगी, ड्राई हो जाएगी और यहां क्रैक्स अपीयर हो जाएंगे। अगर आपको ये बात नहीं पता तो हो सकता है आप इंतजार करते रहें कि यूं ही हो गया है और ठीक हो जाएगा। तो इसे अच्छे से जान लें और ऐसे याद रखें कि अगर दूसरे किसी में आप नोटिस करें तो उसे बता भी सकें। एक दूसरा सिम्टम है कि जो आई साइट है आपकी वो लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। रोशनी की तरफ आपकी आंखें ठीक से देख नहीं पाएंगी, तेज लाइट होगी तो आपको परेशानी होगी देखने में। यह भी बी विटामिन की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है। अगर इन सिम्टम्स को नोटिस नहीं किया और ये डेफिशिएंसी बढ़ती गई, यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व का लेवल घटता गया शरीर में, तो क्या हो सकता है? तो दोस्तों कुछ बहुत ही भयावह परिणाम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो विटामिन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर इसकी कमी हुई तो हमें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों ये विटामिन हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसें, ये जान लेना जरूरी है कि ये कैसे हमारे शरीर में घट जाता है। और अगर ये जान लिया तो ऑटोमेटिकली ये जान जाएंगे कि हम कैसे इसे शरीर में बढ़ा सकते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व मोस्टली एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जिसमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, लेकिन इसके अलावा हरी सब्जियों में भी करीब करीब सभी सब्जियों में बी विटामिन्स पाए जाते हैं। पर इसका एक जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि ये वाटर सॉल्यूबल होता है और वॉलेटाइल है, यानी कि पानी में घुलनशील और तापमान बढ़ने पर समाप्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो इससे ये सबक मिलता है कि हम ऐसी चीजों को जब पकाएं तो पकाते समय कम पानी का इस्तेमाल करें, ताकि जो उसके अंदर बी विटामिन्स हैं वो पूरी तरीके से घुल के बाहर ना आ जाएं। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि उस खाने को कम आंच पर पकाएं, यानी हरी सब्जियां जो आप कच्ची खा सकते हैं उनको कच्चा खाएं सलाद के रूप में, नहीं तो जब पकाना है तो कोशिश करें कि इस तरह की डिश पकाएं जिसमें पानी का प्रयोग ना हो या कम से कम पानी का प्रयोग हो, और खाना बहुत ही धीमी आंच पर पकाएं। ये दो चीजें आपके शरीर में बी विटामिन का लेवल बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर से बी विटामिन गायब होने के लिए कुछ चीजें और भी जिम्मेदार हैं। कुछ चोर हैं जो हमारे शरीर से बी विटामिन्स को चुरा लेते हैं, और इसमें पहला चोर है शुगर, चीनी। शुगर
हमारे शरीर में अगर बढ़ता है तो हमारी भूख कम होने लग जाती है, हम न्यूट्रिशियस या हेल्दी खाना खा नहीं पाते ठीक से, और यही शुगर हमारे शरीर से B12 को भी गायब करने लग जाता है। नंबर 2, अल्कोहल, शराब का सेवन यदि आवश्यकता से अधिक हो रहा है तो ये आपके शरीर में बी विटामिन की मात्रा को बढ़ने नहीं देगा, और क्योंकि वो पानी में घुलनशील है तो वो उसके साथ घुल के शरीर से बाहर लगातार जाता रहेगा। नंबर 3, मैदा, वो चिकनाई जो सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स और पूरा फाइबर निकाल लेने के बाद आटे में बचती है, मैदा हमारे लिए एक दुश्मन है हर हाल में, ये आपको पहले से भी पता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं वो हर चीज का नाम ले रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं कि आपके लिए अच्छी नहीं है, चाहे शुगर है, चाहे अल्कोहल है, चाहे मैदा है। राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपको वो सब कुछ पता है जो आपके लिए अच्छा है, और साथ ही आपको वो सब कुछ पता है जो आपके लिए खराब है। सिर्फ जरूरत है खुद को थोड़ा डिसिप्लिन करने की, और मैं सिर्फ आपको जरा सा हिलाकर झकझोर कर जगाने आया हूं। नेक्स्ट, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी हमारे शरीर से बी विटामिन्स को डिप्लीट करता है, उसको समाप्त करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रेस, तनाव, कहां जाएं, कैसे बचें इसे, एक छोटे बच्चे से लेकर के और एक बुजुर्ग तक सब आज तनाव में हैं। बच्चे को अलग चिंता लगी है, पापा सुनते नहीं, चॉकलेट लाते नहीं, मम्मी सुनती नहीं, मार पिटाई करती हैं होमवर्क करने के लिए, बुजुर्ग को अलग चिंता लगी है, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कोई मेरे पास बैठता नहीं बात करने के लिए, मिडिल एज वालों की अलग समस्या है, पैसा है नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कोई मेरी बात मानता नहीं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैंने पहले कई वीडियो किए हैं जहां पर इस सब्जेक्ट पर विस्तार से बात की है कि तनाव से कैसे बचा जाए या कैसे उसे कम किया जाए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी दे दूंगा, आप वहां पर उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर से विटामिन बी को चुरा लेती हैं, उनका नाश कर देती हैं, उसको समाप्त कर देती हैं, और इस तरह से धीरे धीरे विटामिन बी का लेवल नीचे जाने लग जाता है। तो एक तरफ आपको इन चीजों से बचना है, दूसरी तरफ आपको वो काम करना है जिससे वो लेवल बढ़े, जिससे बी विटामिन की मात्रा शरीर में बढ़े। तो होल ग्रेन्स का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यूज करें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।